नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भी मेरी ही तरीके से ज़ीरोधा के प्रशंसकों में से एक हैं तो यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि अब आने वाले समय में आपको ज़ीरोधा के खुद के म्यूचुअल फंड्स स्कीम देखने को मिलने वाली हैं। अगर आप यह जानने के इच्छुक हैं कि ज़ीरोधा या यूँ कहें कि ज़ीरोधा AMC की ओर से सबसे पहले कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स स्कीम लॉन्च की गई हैं, तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ या यूँ कह लें कि जो ज़ीरोधा के प्रशंसक हैं उनके साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, पिछले ही हफ्ते ज़ीरोधा को AMC यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी का लाइसेंस मिला था। इस क्रम में ज़ीरोधा AMC द्वारा दिनांक 4 सितंबर को अपने 2 प्रोडक्ट्स को रेगुलेटरी के अप्रूवल के लिए भेजा गया है। जैसा कि ज़ीरोधा के द्वारा पहले ही बताया जा चुका है कि उनका फोकस पैसिव निवेश यानी इंडेक्स फंड्स की ओर ज़्यादा रहेगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 4 सितंबर 2023 को ज़ीरोधा AMC द्वारा ज़ीरोधा टैक्स सेवर ELSS निफ्टी लार्ज मिड कैप इंडेक्स फंड और ज़ीरोधा निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 इंडेक्स फंड को रेगुलेटरी के पास अप्रूवल के लिए भेज दिया गया है। अप्रूवल के बाद NFO के माध्यम से निवेश प्रारंभ हो सकेगा और उसके बाद बाकी म्यूचुअल फंड्स की स्कीम की तरह ही आप इन फंड्स में भी निवेश SIP के द्वारा या लमसम कर पाएंगे। तो आने वाले वीडियो में इस बारे में मैं आपको अपडेट उपलब्ध कराता रहूंगा। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप में से कोई भी ज़ीरोधा के साथ या किसी अन्य ब्रोकर के साथ में अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवाना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट ओपनिंग लिंक मिल जाएंगे। उन लिंक्स पर क्लिक करके आप डायरेक्ट अकाउंट ओपनिंग पेज पर पहुंच जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।